दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया के खास बुलेटिन खबर दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सेना ने इसमें मदद का हाथ बढ़ाते हुए अपने सेवानिवृत्त चिकित्सा कर्मियों को फिर से काम पर लौटने को कहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने आज इसकी जानकारी दी। रावत सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले थे और उन्हें सेना द्वारा की जा रही तैयारियों का हाल बताया था। जाहिर है सैन्य चिकित्सकों के लौटने से उपचार में बड़ी मदद मिल सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन को 15 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। आज सीएम उद्धव ठाकरे ने मंत्रिमंडल की एक विशेष बैठक में कोरोना संक्रमण और इंतजामों पर चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया। फिलहाल राज्य में 1 मई तक सख्त लॉकडाउन है। सरकार का मानना है कि इससे कोरोना तेजी से घट रहा है और यदि फिलहाल लॉकडाउन में छूट दी जाती है तो इससे कोविड संक्रमण बढ़ सकता है। दरअसल महाराष्ट्र देश का सर्वाधिक कोरोना संक्रमित राज्य है, यहां मौत के मामले में भी सबसे अधिक केस है। दिल्ली में अब उपराज्यपाल यानी एलजी ही सरकार माने जाएंगे। आज केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन कानून 2021 की अधिसूचना जारी कर इस पर अंतिम मुहर लगा दी है। इस कानून का मतलब है कि दिल्ली में लोगों की चुनी हुई सरकार के मुकाबले उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां प्राप्त होंगी। बता दें कि राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए इस कानून को संसद से पारित होने के बाद पिछले महीने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दी थी। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने इस कानून को लोकतंत्र की हत्या करने वाला बताया था। दिल्ली में जजों के लिए 5-स्टार होटल में 100 कमरों का कोविड केयर सेंटर बनाने पर विवाद पैदा हो गया है। बताया जा रहा है कि जजों की अपील पर दिल्ली सरकार ने ऐसा निर्णय लिया था, लेकिन हाईकोर्ट की दखल के बाद मामला गर्मा गया। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि जजों और कोर्ट अधिकारियों के लिए 5 सितारा अशोका होटल में कोविड केयर सेंटर बनाने के फैसले की उन्हें कोई जानकारी ही नहीं थी। केजरीवाल सरकार इसे लेकर आज कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करने वाली है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने अब कोविड-19 के चलते 5 राज्यों में 2 मई को होने वाली मतगणना के दौरान या इसके बाद जीत का जश्न मनाने के लिए जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है। इससे पहले सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की तीखी आलोचना करते हुए उसे देश में महामारी की दूसरी लहर के लिए अकेले जिम्मेदार बताया था। इस पर आयोग ने कहा है कि वह निर्वाचन अधिकारियों के तरफ से मिले सुझावों के आधार पर अपनी गाइडलाइंस को सख्त कर रहा है। गौरतलब है कि 2 मई को बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में मतगणना नतीजे आने वाले हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में टूटे ग्लेशियर हादसे में अब मरने वालों की संख्या 13 पर पहुंच गई है। शुक्रवार को भारत चीन सीमा के निकट नीति घाटी के सुमना में यह हादसा हुआ था। चमोली के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी एनके जोशी ने बताया कि सुमना में हादसे वाली जगह से एक और शव बरामद हुआ है। शनिवार को यहां से 10 और रविवार को 2 शव बरामद कर लिए गए थे। ऑक्सीजन की बढ़ती किल्लत के बीच महाराष्ट्र सरकार ने अस्पतालों में अब ऑक्सीजन नर्स की नियुक्ति का फैसला किया है। नंदुरबार जिले के सरकारी अस्पताल से इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इसे पूरे राज्य में अमल में लाना चाहती है। दरअसल ऑक्सीजन नर्स का काम मरीजों में ऑक्सीजन के इस्तेमाल पर नजर रखना और उसकी बर्बादी रोकना होगा। राज्य सरकार द्वारा अस्पतालों को प्रत्येक 50 मरीज पर 1 ऑक्सीजन नर्स की नियुक्ति करने को कहा गया है। महाराष्ट्र में आज आग लगने की 2 बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। पहली घटना रत्नागिरी MIDC की एक कंपनी में भीषण आग लगने की है, हालांकि यहां कोई हताहत नहीं हुआ। जबकि दूसरी घटना थाने जिले के मुम्ब्रा कौसा की है, जहां प्राइम क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में आज तड़के 3:40 पर आग लगने से 4 मरीजों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मरीजों की मौत उस वक्त हुई जब उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस हादसे में मरने वालों के लिए 5 लाख और घायलों को 1 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की है। बाराबंकी के अवध चिल्ड्रेन हॉस्पिटल के मालिकों को नवजात जुड़वा बच्चों की मृत्यु के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हॉस्पिटल संचालकों ने ऑक्सीजन की कमी होने का हवाला देते हुए बच्चों को एडमिट करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि आरोपी सैयद मोहम्मद साकिब और सैयद मोहम्मद आमिर पर महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब आप भारतीय स्टेट बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो के जरिए घर बैठे वीडियो KYC के माध्यम से बचत खाता खुलवा सकते हैं।
स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा कि यह ग्राहकों की सेफ्टी, वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला और किफायती कदम है। बैंक की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि यह पहल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चेहरे से पहचान करने वाली टेक्नोलॉजी पर आधारित है। नई मुंबई के नाका कामगार कारोबार और काम धंधा बंद होने से आजकल भुखमरी की नौबत झेल रहे हैं। हालांकि जीने की जद्दोजहद कर रहे ऐसे कामगारों के लिए नई मुंबई कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सुनील पारकर की मदद बड़ी राहत दे रही है। दरअसल सुनील पारकर नाका कामगारों के लिए हर शाम भोजन बांटते हैं। कोपरखेरने इलाके में पारकर का यह मदद अभियान लॉकडाउन के दिन से ही शुरू है। कोशिश यही है कि कोई भी नाका कामगार भूखा न सोने पाए। आज खबर दिन भर में मेरे साथ इतना ही, लेकिन नई मुंबई, मुंबई और महाराष्ट्र समेत देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टीवी वन इंडिया। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।